जंगल। राय भाट रहमानी समाज को पिछड़ी जाति में शामिल करने की मांग को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से मिला रहमानी समाज का प्रतिनिधि मंडल। राय भाट रहमानी समाज को पिछड़ी जाति में शामिल करने के लिए रहमानी कौमी एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक प्रतिशाली आलमगीर ए आर रहमानी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजुद्दीन रहमानी, महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्तार अहमद रहमानी और प्रदेश महासचिव मुर्तजा हुसैन रहमानी के संयुक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री जसवंत सैनी से लखनऊ के इंदिरा भवन कार्यालय में मुलाकात कर पिछड़े रहमानी समाज को पिछड़ी जाति में शामिल करने की मांग करते हुए एक पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री जसवंत सैनी रहमानी को भी एकता की ओर से बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। आप रहमानी कौमी एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देश की आज़ादी के बाद से रहमानी समाज को अभी तक पिछड़ा वर्ग में क्यों नहीं शामिल किया गया, इसकी वजह क्या रही? देखिए, रहमानी समाज के लोग, राय भाट रहमानी समाज के लोग जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने प्रयास तो किया, मेहनत किया, लखनऊ आए, गए, दरख्वास्त दिए, उसके बाद जो है सही तरीके से उसकी पैरवी नहीं की। और जो सरकारें रही हैं उन्होंने सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया है। लेकिन आज जब से ये योगी सरकार सत्ता में आई है, तब से जो प्रयास हुआ, सही तरीके से जो समाज ने मेहनत किया, उसका फल सर 2019 में देखने को मिला कि सरकार ने हमारे समाज का सर्वे करवाया। अभी तक क्या वजह रही कि जो सरकारें रही आपके समाज को क्यों नहीं न्याय दिया, वजह क्या रही? सर, अब तक की जो सरकारें रही हैं वो ओबीसी से सरकारें रही हैं। अब जो सरकार खुद ओबीसी में हो, वो अपने थाली में हमें खिलाना पसंद नहीं की, इसलिए उसने हमारे साथ अन्याय नहीं किया। वंचित समाज रहमानी समाज है, इस समाज को आप किस नज़रिए से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमारा समाज ऑलरेडी वंचित है, अति पिछड़ा है, लेकिन इसका जो भ्रम है आल समाज के अंदर, वो जो है अलग है। अलग से मुराद ये है कि सर्व समाज हमें समझता है कि हम बहुत ही अति पिछड़े में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, लेकिन दरअसल हमारा समाज पिछड़ों में नहीं आता है, अगड़ों में आता है। लेकिन हमारी दयनीय स्थिति होने के नाते हमने जो मांग किया है, आज जो हमने माननीय अध्यक्ष महोदय जी से भेंट किया, एक प्रतिनिधिमंडल के शक्ल में हमारे समाज के लोगों ने हमारा साथ दिया और लखनऊ तक चल के आए, दूर दूर से लोग चल के आए, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ न्याय करेंगे और आपको ओबीसी में शामिल करेंगे। ये बताइए कि अभी तक जो लंबित आपका बहुत पुराना मांग है कि रहमानी समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए, और अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नामित कर दिए गए हैं, तो उनसे मुलाकात करने के बाद आपको क्या एहसास हुआ, क्या आपको न्याय मिलेगा? देखिए, हमें पूरा उम्मीद है, तवक्कल तो अल्लाह, हम एक इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं। इस बिना पर हमने प्रयास किया है, बाकी इसका फल मिलना न मिलना ये बात की बात है, लेकिन अगर हम प्रयास नहीं करते हैं तो ये हमारी कमी है, इसलिए हमने प्रयास किया है और हमें उम्मीद है कि ज़रूर हमें ओबीसी मिलेगी। अभी हम रहमानी कौमी एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलमगीर यार रहमानी साहब से बात कर रहे थे। अब हमारे बीच में रहमानी कौमी एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिराजुद्दीन रहमानी साहब हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। अच्छा, ये बताइए कि रहमानी कौमी एकता संघ के बैनर तले आप लोगों ने आज लखनऊ के इंदिरा भवन में जो अपने रहमानी समाज के पिछड़े समाज में शामिल करने के लिए जो आप लोगों ने मांग रखा है, वो किस तरह का मांग है? हमारी मांग ये है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में शामिल करने के लिए हम लोग जो है 20 साल से प्रयास कर रहे थे, जो कि जो है हम लोग कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आज जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जाति को जल्द ही ओबीसी में शामिल कर लिया जाएगा। कब तक उम्मीद है कि आपको पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया जाएगा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे एक सचिव जो है आएंगे, जो कार्रवाई के लिए उन्होंने जो है एक वक्त लगेगा, एक महीने डेढ़ महीने में ये कार्रवाई हो जाएगी। धन्यवाद।